मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मेडिकल कॉलेज रीवा में डॉक्टर के लिए नए आवासों के भवनों का भूमि पूजन किया। 64 नए भवनों के निर्माण की नींव डिप्टी सीएम ने रखी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉक्टर के वर्तमान में जो आवास है वह काफी जर्जर हो चुके हैं और काफी पुराने भी हैं, इसलिए नए आवासों का भूमि पूजन किया गया है जिससे डॉक्टर खुशहाल रहें और जनता की सेवा में कोई कमी ना रहे। तो जगह खाली हुई ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज मेडिकल कॉलोनी के कायाकल्प का अभियान का शुरुआत हुई है। 64 डी टाइप और ई टाइप के मकान सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों के लिए जो लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत के बनेंगे, 8 मंजिला 4 टावर बनेंगे, नीचे ग्राउंड में पार्किंग रहेगी, ऊपर लिफ्ट रहेगी और 8 मंजिल तक 4 BHK के ये फ्लैट रहेंगे जिससे डॉक्टरों को अच्छी आवासीय सुविधा मिल सके। और इसके साथ ही पूरे मेडिकल कॉलोनी में जो पुराने हमारे संजय गांधी और मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, जो अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरे चरण में पूरे मेडिकल कॉलोनी का पुराने जर्जर मकानों को गिरा के और फ्लैट बना के और अच्छे पार्क लॉन्स बच्चों को घूमने के लिए खेलने के लिए स्थान कम्युनिटी हॉल इस प्रकार का एक संपूर्ण विकास कायाकल्प मेडिकल कॉलोनी का किया जाएगा। एक कई नर्सिंग कॉलेज के जो हैं उनकी मान्यता भी रद्द हुई है, लगातार आप लोगों के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं, तो क्या इसको संभावना है? इसमें हाई कोर्ट में फिर से हम लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको अगल बगल के जो नर्सिंग कॉलेज हैं, सतना में है, जबलपुर में है, शहडोल में है, उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए जिससे कि वो अपना एग्ज़ाम दे सके। और इस बीच में यहाँ पर जो कमी पाई गई है उस कमी को दूर करने के लिए 65 स्टाफ फैकल्टी मंजूर कर दी गई है नर्सिंग कॉलेज के लिए और लगभग 10 करोड़ रुपए नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए मंजूर कर दिया गया है। तो ये सारी कमियाँ दूर हो जाएंगे तो फिर यहाँ नर्सिंग कॉलेज शुरू हो जाएगा।